हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुष्कराज क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गुडविल के बारे में, और आज देखने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एंड कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। तो आइए शुरू करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी से। पार्टनरशिप में जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तब न्यू बैलेंस शीट के अंदर मार्केट में चल रही असेट की वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई असेट इंक्रीज होता है तो फर्म के लिए वो प्रॉफिट है, या असेट डिक्रीज होता है तो वो फर्म के लिए लॉस है। इसी तरह अगर कोई लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो फर्म के लिए लॉस है, या लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो फर्म के लिए प्रॉफिट है। असेट्स और लायबिलिटी में होने वाला इंक्रीज डिक्रीज ये रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हो जाने पर मिलने वाला प्रॉफिट और लॉस ये ओल्ड पार्टनर को अपने ओल्ड रेशियो से बांट लेते हैं। रिवैल्यूएशन असेट्स एंड लायबिलिटी को जर्नल एंट्री के थ्रू हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो आइए पहली जर्नल एंट्री देखते हैं, इंक्रीजिंग असेट्स। असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ असेट एप्रिशिएटेड। असेट इंक्रीज हुआ है तो हम न्यू बैलेंस शीट के अंदर पर्टिकुलर असेट के अंदर ऐड करेंगे, और उसका दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय असेट अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी डिक्रीज इन असेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, बीइंग वैल्यू ऑफ असेट डेप्रिशिएटेड। असेट क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर असेट के अंदर लेस करेंगे। असेट डिक्रीज होने की वजह से हमारा क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन के अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू असेट अकाउंट। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री हमारी अनरिकॉर्डेड असेट। असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अनरिकॉर्डेड असेट ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अनरिकॉर्डेड असेट हम पर्टिकुलर असेट में या सेपरेट एंट्री में क्या करेंगे? ऐड करेंगे या सेपरेट एंट्री करेंगे। तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर ये असेट हमारा इंक्रीज हुआ है रिकॉर्ड करने की वजह से, तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में सेकेंड इफेक्ट करेंगे बाय असेट अकाउंट। फिर चौथी जर्नल एंट्री है इंक्रीज इन लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, बीइंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो पर्टिकुलर लायबिलिटी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी और बढ़ गई तो हमारे लिए क्या हुआ? लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे? सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू लायबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है डिक्रीज इन लायबिलिटीज। इसकी जर्नल एंट्री है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज। लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर हम पर्टिकुलर लायबिलिटी के अंदर क्या करेंगे? लेस करेंगे। हमें लायबिलिटी अब कम पे करनी है तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय लायबिलिटी अकाउंट। इसके बाद है छह नंबर की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन एंट्री क्या पास करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ब्रॉट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्ड नहीं हुई है लायबिलिटी, अब उसको रिकॉर्ड करना है, तो पर्टिकुलर लायबिलिटी है तो उसके अंदर ऐड करेंगे या फिर सेपरेट एंट्री करेंगे। अब लायबिलिटी क्या हो गई है? रिकॉर्ड हो गई है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है, तो इसके कारण हमारा क्या हुआ? लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में सेकेंड इफेक्ट मारेंगे टू लायबिलिटी अकाउंट। इसके अलावा भी मैंने आपके कुछ और पॉइंट्स दिए हैं, वो चर्चा करते हैं। उसके लिए अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट, पुराने बैलेंस शीट के अंदर हमने वैल्यू असेट की वैल्यू क्या कर ली है? कम पकड़ी है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर वो पर्टिकुलर आइटम के अंदर हम ऐड करेंगे, और उसकी ऐड करने के बाद क्या होगा? हमारा असेट बढ़ेगा। असेट बढ़ा तो हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे? उसकी सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय असेट अकाउंट। किसी रीजन ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर हमने असेट की वैल्यू ओवर वैल्यूड की है, ओवर वैल्यूएशन लिखी, ज्यादा लिखी है, तो हम वो पर्टिकुलर असेट के अंदर हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। लेस करने की वजह से क्या? हमारी असेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, इसकी वजह से हमें लॉस हुआ। तो हम ये
दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू असेट अकाउंट लिखेंगे। इसी तरह सेम लायबिलिटी साइड होगी, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर कोई लायबिलिटीज अगर अंडर वैल्यूएशन लिखी है, कम लिखी गई है, तो पर्टिकुलर लायबिलिटी के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड होम करेंगे। अगर लायबिलिटी में ऐड होगा तो क्या होगा, हमारा लायबिलिटी बढ़ गई, तो लायबिलिटी बढ़ने की वजह से हमारा क्या हुआ, लॉस हो गया, तो लॉस इंक्रीज हो गया, तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में सेकेंड इफेक्ट में लिखेंगे टू लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, उसी तरह सेम लायबिलिटीज हमने पिछले ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर ज्यादा लिखी है, ओवर वैल्यूड है, तो हम उसको क्या करेंगे, पर्टिकुलर लायबिलिटीज पर्टिकुलर आइटम के अंदर हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करने की वजह से क्या, हमारी लायबिलिटी कम हो गई। अब कम हो गई इसके लिए हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, बाय लायबिलिटी अकाउंट। तो इसी तरह से रिवैल्यूएशन को अपना, अब बैलेंस शीट के सारे आइटम हो चुके हैं, अब क्या है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो हम उसको लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, पार्टनर्स को, या पार्टनर्स के कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट में। उसी तरह से अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके क्वेश्चन के अंदर कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर टू बी एडजस्टेड टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल एज द बेस। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश और लोन अकाउंट और करंट अकाउंट। इस तरह की एडजस्टमेंट दी जाएगी तो आपको पहले न्यू रेशियो निकालना है, फिर न्यू रेशियो निकालने के बाद आपको न्यू कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। मगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर टू बी एडजस्टेड टेकिंग न्यू पार्टनर कैपिटल एज द बेस। तो बताइए आप कैपिटल को कहाँ एडजस्ट करेंगे, यहां पर ना कैश में एडजस्ट करने के लिए बोला है, ना लोन में और ना करंट अकाउंट में बोला है। तो आपको हमेशा याद रखना है, कैपिटल जो एडजस्ट करना है वो आपको कैश ऑब्लिक बैंक में एडजस्ट करना है। कुछ भी नहीं दिया है, ना आपको कैश दिया है, ना लोन दिया है, ना करंट अकाउंट दिया है, फिर भी आपको बोला है कि न्यू पार्टनर का आपको कैपिटल निकालना है। मगर एडजस्टमेंट कैपिटल का जब एडजस्ट करोगे, जब डिफरेंस आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो कहाँ आप उसको ट्रांसफर करोगे। तो इस एडजस्टमेंट में तो आपको बताया नहीं है कि लोन में डालना है कि कैश में डालना है कि करंट में डालना है। तो आपको याद रखना है, ऐसी एडजस्टमेंट के टाइम पे आपको कैश ऑब्लिक बैंक में ट्रांसफर कर देना है। न्यू कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, आइए उसको एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2018 की। लायबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल अकाउंट दिया है आदिल का 90,000 और समीर का 60,000। ओल्ड रेशियो दिया है उन दोनों का 2:1 और एडजस्टमेंट में कहा गया है एक नंबर का, राजू पे ₹30,000 एज हिज कैपिटल फॉर वन पोस्ट शेयर्स। और सेकेंड एडजस्टमेंट बोला है कि कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूज कैपिटल एज द बेस। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश। आपको आदिल और समीर की बैलेंस शीट दी गई है, राजू नया पार्टनर है, 30,000 लेके आ रहा है, फ्यूचर में उसका प्रॉफिट कितना होगा, वन पोस्ट शेयर होगा। तो पहले हम न्यू रेशियो ढूंढते हैं, उसके बाद कैपिटल निकालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं न्यू रेशियो के लिए। न्यू रेशियो के लिए हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ वन। तो बैलेंस ऑफ वन का फॉर्मूला क्या है, बैलेंस ऑफ वन इक्वल टू वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो वन माइनस कितना शेयर लेके आया राजू, 1/4। तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बैलेंस ऑफ 1 3/4। अब हम न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे जो है न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर कौन है, आदिल और समीर। तो आदिल का हम कैसे करेंगे, आदिल इक्वल टू ओल्ड रेशियो क्या है, 2 है उसका, और रेशियो क्या है दोनों का, 2:1। तो 2+1 कितना हुआ, 3। तो हम आदिल के ओल्ड रेशियो में लिखेंगे 2/3 इनटू बैलेंस ऑफ वन कितना आया था, 3/4। उन दोनों के बीच पे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा आंसर आया है, 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 3 इंटू 4 से करेंगे तो 12 आएगा। तो आदिल का न्यू रेशियो आया है 6/12। समीर का है 1,
तो हम ओल्ड रेशियो कैसे लिखेंगे, समीर इक्वल टू 1/3 इंटू बैलेंस ओवन कितना है 3/4, तो 1/3 इंटू 3/4 इक्वल टू यानी 1 × 3 3, 3 × 4 12, तो समीर का जो आया न्यू रेशियो 3/12। राजू का कैसे कैलकुलेशन करें न्यू रेशियो, तो राजू की इसमें आदिल का 2 समीर का 1 दोनों को मिलकर कितना हुआ 3, तो ओल्ड रेशियो में लिखेंगे 3/3 इंटू वो कितना शेयर लेके आया था 1/4, तो 3/3 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 3 हो गया और 3 × 4 कितना 12, तो हमारा आंसर क्या आया राजू का 3/12। तो न्यू रेशियो आया हमारा 6:3:3, अगर उसको हम और आगे जाते हैं तो हमारा नया रेशियो मिलता है 2:1:1, न्यू रेशियो निकल गया है। अब हमें कैलकुलेशन करना है न्यू कैपिटल, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल कैसे निकाल करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अपॉन न्यू पार्टनर का नया शेयर। तो न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया है 30,000 और उसका शेयर कितना है 1, तो 30,000 डिवाइड बाय 1, तो उसका बेस कितना आया है न्यू पार्टनर का 30,000। तो आदिल के लिए हम कैसे करेंगे, आदिल का कैपिटल कैसे निकालेंगे, आदिल इक्वल टू जो नए पार्टनर का जो बेस पकड़ा है हमारा जो आंसर आया 30,000 उसको न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आदिल इक्वल टू 30,000 इंटू उसका नया रेशियो कितना है 2, तो 30,000 इंटू 2 तो हमारा आदिल का न्यू कैपिटल आया 60,000। उसी तरह समीर का करेंगे, समीर का कितना है न्यू रेशियो 1, तो बेस कैपिटल कितना आया 30,000, तो समीर का हम समीर इक्वल टू 30,000 इंटू 1 तो न्यू कैपिटल कितना है समीर का 30,000। इसी तरह से राजू का हम करेंगे, राजू इंटू 30,000 इंटू 1 तो आंसर कितना है उसका भी 30,000। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को अच्छी तरह समझने के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, तो आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज अंडर, आपको ओल्ड बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2018 के। लाइबिलिटी साइड में है क्रेडिटर 1,05,000, कैपिटल अकाउंट है विक्रम का 75,000 से, प्रज्ञा है 75,000। असेट में आपको कैश दिया है 7,500, लैंड एंड बिल्डिंग 37,500, प्लांट 45,000, फर्नीचर 3,000, स्टॉक 75,000, डेटर 87,000। दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म, 1 अप्रैल 2018 को अवनी को उन्होंने एज अ पार्टनर तरीके से एडमिट किया हुआ है। अवनी शैल हैव अ 1/4 शेयर इन अ फ्यूचर प्रॉफिट, आगे उसको फ्यूचर में प्रॉफिट 1/4 शेयर के हिसाब से मिलेगा। बिजनेस में ज्वाइन होते ही अवनी ने 37,500 एज अ कैपिटल दिया और साथ साथ में 30,000 का गुडविल भी दिया। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई है, मार्केट वैल्यू चेंज हुई है, तो 3 नंबर आपको देना है लैंड एंड बिल्डिंग को, एडजस्टमेंट नंबर 3, तो 37,500 था अब उसकी वैल्यू हो गई है 4,500, रिवैल्यूएशन हो गया है। फर्नीचर को भी आपको एडजस्टमेंट नंबर देना है 3, क्योंकि वो भी रिवैल्यूड हुआ है, उसको 10% डेप्रिसिएशन हुआ है। फिर है बैड डेट, जो 5% निकालना है संडी डेटर्स के ऊपर, तो आपको डेटर्स के ऊपर आपको 5 नंबर देना है, 87,000 के ऊपर आपको 5% निकालना है, ये भी आपका रिवॉल्यूशन हुआ है। स्टॉक दिया है आपको 75,000 का, अब वो हो गया 82,500, इंक्रीज हुआ है, तो स्टॉक किधर लिखेंगे हम, एसआर स्टॉक के ऊपर आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 देना है। ये रिवॉल्यूशन की मैटर है, तो हम पहले रिवॉल्यूशन का करेंगे। एक आखिरी एडजस्टमेंट है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, न्यू कैपिटल निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको कैपिटल एडजस्ट करना है। तो पहले सिंपल हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन का जो स्टार्टिंग का मैंने आपको ये वीडियो में जो स्टार्टिंग में रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में सिखाया था वो एक बार उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए सम को शुरू करते हैं। पहला आइटम क्या है, क्रेडिटर्स 1,05,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
एडिटिव किधर लिखेंगे, लायबिलिटी के अंदर। तो लायबिलिटी के अंदर हम लिखेंगे सैंडरी क्रेडिटर्स, आउटर में लिखेंगे 1,05,000। नेक्स्ट आइटम हमारा कैपिटल, विक्रम का 75,000 और प्रज्ञा का 75,000, वो हम लिखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विक्रम के अकाउंट में 75 और प्रज्ञा के अकाउंट में 75। इसी के साथ हमारा लायबिलिटी साइड खत्म हो गया। फिर आपको दिया है कैश अकाउंट, कैश में लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7500 अमाउंट में लिखेंगे। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 3 है। 37,500 की लैंड एंड बिल्डिंग अब कितनी हुई है, एडजस्टमेंट बोला है 4500 बोला है। तो असेट में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, इनर में लिखेंगे 37,500, एड एप्रिसिएशन, और आउटर में लिखेंगे 45,000, और हमारा डिफरेंस कितना आया 7500। ये 7500 हमारा इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज असेट इंक्रीज हुआ है, तो हमारे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट में लिखेंगे 7500। नेक्स्ट आइटम है हमारा प्लांट इन प्लांट है, मगर कोई भी उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, सो एज इट इज ट्रांसफर करेंगे असेट के अंदर प्लांट, आउटर में 4500। नेक्स्ट आइटम है हमारा फर्नीचर, उसके ऊपर 3 नंबर की एडजस्टमेंट है, बोला गया है डेप्रिसिएशन निकालना है 10%। तो आइए इसका ट्रीटमेंट करते हैं। असेट में लिखेंगे फर्नीचर, इनर में 3000, लेस 10% डेप्रिसिएशन, कितना आया 300। तो 3000 में से 300 गया, आउटर में आया 2700। आपकी असेट डिक्रीज हुई है, तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट में लिखेंगे 300। नेक्स्ट आइटम हमारा स्टॉक है 75,000 का, तो 75,000 का पहले असेट में लिखेंगे इनर में स्टॉक 75,000, अब वो एडजस्टमेंट में बोला है आपको 82,500, इंक्रीज हो गया है। 75 का क्या हो गया 82,500, आउटर में लिखेंगे 82,500, एड लिखेंगे एप्रिसिएशन 7500। डिफरेंस कितना आया दोनों के बीच में 7500 का। तो ये जो स्टॉक है वो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय स्टॉक, अमाउंट में 7500। नेक्स्ट है डेटर्स, अमाउंट है 87,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है 5 नंबर की, 5% आरडीडी निकालने के लिए बोला है। तो आइए डेटर्स लिखते हैं असेट के अंदर, डेटर्स इनर में 87,000, लेस 5% आरडीडी। 87,000 का 5% जो आया आपका 4350, तो 87,000 में से 4350 जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 82650। अब ये 4350 हमारा असेट कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, बैड डेट हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू डेटर्स, अमाउंट में लिखेंगे 4350। अब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस शीट इधर ही खत्म हो गई है, रिवैल्यूएशन का जो पार्ट था वो खत्म हो गया है। पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, देख लेते हैं किधर ज्यादा टोटल है, क्रेडिट की ज्यादा टोटल है, तो हम क्रेडिट की टोटल मारते हैं, टोटल है 15,000, और डेबिट की टोटल माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा जो है 10,350। अब 10,350 जो है वो विक्रम को और प्रज्ञा को 2:3 में बांटेंगे। जो विक्रम का आया है 4140 और प्रज्ञा का आया है 6210, और टोटल लिखेंगे हम 15,000। अब जो ये प्रॉफिट आया है वो हम कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, और पहले का प्रॉफिट है यानी विक्रम का प्रॉफिट है 4120 और प्रज्ञा का है 6210। अब यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन का जो पार्ट था खत्म हो गया। तो आइए अब एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। दो एक ही एडजस्टमेंट बाकी, ही शैल ब्रिंग रुपीज 37,000 एज हिज कैपिटल। अवनी कितना लिखे आई है, यहाँ पे ही नहीं आना चाहिए, शी आना चाहिए, अवनी है ना, गलत किया इन्होंने, काफी मिस्टेक से बुक के अंदर, प्लीज करेक्शन। तो अवनी लेके आई है 37,500, तो हम पहले कैश के डेबिट में लिखेंगे टू अवनी अकाउंट, अमाउंट है 37,500, और कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश,
और अवनी के अकाउंट में लिखेंगे 37,500। अवनी साथ में क्या लेके आई है, 37,000 का, 30,000 का गुडविल भी लेके आई है। तो गुडविल की एंट्री हम करेंगे कैश के डेबिट में, तो गुडविल अमाउंट में लिखेंगे 30,000 और गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश 30,000 अमाउंट में। अब आपके क्वेश्चन में देखो तो आपको गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ गुडविल कैश में आया है। अब गुडविल को आगे क्या करना है इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मगर आपको लेक्चर नंबर 2 में मैंने सारी चीज बताई है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करना है। तो यहाँ पे गुडविल को मैं रेज करूंगा, तो गुडविल के डेबिट में लिखूंगा टू विक्रम, उनके रेशियो से 30,000 को डिवाइड बाय मैं कितना करूंगा, उनका रेशियो कितना था 2:3। 30,000 को 2:3 यानी 30,000 को डिवाइड बाय 5 करूंगा तो मेरा आंसर कितना है 6,000। तो 6,000 × 2 तो विक्रम में लिखूंगा 12,000 और 6,000 × 3 अवनी के अकाउंट में लिखूंगा, सॉरी प्रज्ञा प्रज्ञा का अकाउंट में, प्रज्ञा के अकाउंट में लिखूंगा 18,000। और इसको हम जो रेस किया है गुडविल को हम पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट विक्रम के अकाउंट में 12,000 और प्रज्ञा के अकाउंट में 18,000। ओके, यहां तक हमारा सारी चीज हो गई है। अभी लास्ट एडजस्टमेंट है वो चेक करते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट और एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिदेयर लोन अकाउंट। तो आपको यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना है, बाद में न्यू कैपिटल भी निकालना है। जो भी एक्सेस आएगा उसके लिए कहाँ एडजस्ट करने के लिए बोला है, लोन अकाउंट में, जो आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा है रेड कलर से। तो आइए पहले बैलेंस ऑफ वन निकालते हैं। न्यू रेशियो निकालने पर पहले हमको बैलेंस ऑफ वन निकालना पड़ेगा। तो बैलेंस ऑफ वन इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर कितना लेके आया, 1/4 लेके आया है, तो 1 माइनस 1/4 तो हमारा आंसर कितना आया, 3/4। 3/4 आने के बाद यानी बैलेंस ऑफ वन आने के बाद हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ वन। तो यहाँ पे विक्रम का न्यू रेशियो आता है, विक्रम इक्वल टू ओल्ड रेशियो कितना है उसका 2 और प्रज्ञा का कितना है 3। तो टोटल कैसे लिखेंगे हम, 2/5 और 3/5। तो विक्रम के इसमें ओल्ड रेशियो में लिखेंगे 2/5 × 3/4 क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ वन कितना है 3/4। सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 तो आंसर कितना है 6 और 5 × 4 कितना आएगा 6/20। तो विक्रम का न्यू रेशियो आया है 6/20। इसी तरह प्रज्ञा का देखते हैं, प्रज्ञा का हम करेंगे ओल्ड रेशियो में लिखेंगे 3/5 × बैलेंस ऑफ वन कितना है 3/4। सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 तो आंसर कितना आया 9, 5 × 4 आंसर कितना है 20। तो 9/20 ये प्रज्ञा का न्यू रेशियो आया। इसी तरह से अवनी का निकालते हैं, अवनी का ओल्ड रेशियो में कैसे करेंगे, प्रज्ञा और विक्रम को प्लस करेंगे ओल्ड रेशियो को, 2+3 कितना आया 5/5। और बैलेंस ऑफ वन में क्या करेंगे, जितना भी अवनी लेके आई थी उतना उसका शेयर लिखना है, तो 5/5 × 1/4। सामने सामने मल्टीप्लाई करने के बाद 5 × 1 = 5 और 5 × 4 सामने कितना आया 20। तो हमारा जो न्यू रेशियो आया है 6:9:5। तो ये न्यू रेशियो निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है, नया कैपिटल। तो नया कैपिटल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल डिवाइड बाय न्यू पार्टनर का न्यू शेयर्स। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है 37,500 और न्यू शेयर कितना है 5। तो हमारा न्यू कैपिटल बेस कितना आया 7,500। सो हम तीनों का यानी विक्रम प्रज्ञा और अवनी का न्यू कैपिटल निकालते हैं। तो विक्रम का आया, विक्रम इक्वल टू 7,500 हमारा क्या है, बेस कैपिटल है और विक्रम का न्यू रेशियो कितना है 6। तो 7,500 × 6 कितना हुआ 4,500। इसी तरह प्रज्ञा का 7,500 ये बेस कैपिटल मल्टीप्लाई बाय न्यू रेशियो उसका 9, तो इसका न्यू रेशियो न्यू कैपिटल आया प्रज्ञा का 67,500। सेम उसी तरह अवनी का 7,500 ये बेस कैपिटल है उसका न्यू कैपिटल है 5, तो उसका आंसर आया 37,500। यानी न्यू कैपिटल जो है 45,000, 67,500 और 37,500।
तो आइए ये न्यू कैपिटल को ट्रीटमेंट करते हैं। तो न्यू कैपिटल तो आ गया है, अब न्यू कैपिटल हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी, विक्रम के अकाउंट में 45,000, प्रज्ञा के अकाउंट में 67,500 और अवनी के अकाउंट में 37,500। ठीक है, अब यहाँ पे यही जो बैलेंस सीडी आया है वो एज इट इज लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, और नीचे लिखेंगे विक्रम, उसकी अमाउंट है 45,000, प्रज्ञा की है 67,500 और अवनी की है 37,500, तीनों की टोटल आउटर में लिखेंगे 1,50,000। अब यहाँ पे आपको समझना है कैपिटल अकाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा, क्या बोला मैंने, कैपिटल अकाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको कहाँ ट्रांसफर करने के लिए बोला है, लोन अकाउंट में। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला होता तो मैंने कहाँ बोला था आपको डालने के लिए, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्लियरली बोला है कि एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर देयर लोन अकाउंट, तीन जगह पे बैलेंस जा सकता है, एक कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट और करंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्लियरली क्या मेंशन किया है, जो भी कैपिटल का बैलेंस एडजस्ट करना है वो किस में करना है, लोन अकाउंट में। तो आइए उसको ट्रीटमेंट करते हैं। पहले विक्रम का अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट की टोटल मारते हैं, जो क्रेडिट की टोटल आया है यह 91,140, उसमें से डेबिट की टोटल जो आई है 45,000, उसमें से माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू लोन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो कितना आया इसका, 46,140, ये लोन में एडजस्ट करना है, किसका, ओल्ड पार्टनर का जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको लोन में एडजस्ट करना है। इसके लिए मैंने अलग से आपको कंसेप्ट सिखाया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, टोटल है आपका 91,140। इसी तरह से प्रज्ञा का करना है, क्रेडिट की टोटल माननी है, 99,210 आया है, डेबिट में उसका 67,500 है, तो डिफरेंस किधर ट्रांसफर करना है आपको, एडजस्ट करना है लोन अकाउंट में, जो आया है 31,710 और टोटल आपकी आई है 99,210। और बाकी तो अवनी का तो कोई डिफरेंस आने का सवाल ही नहीं है, सेम अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट में, तो 37,500 और 37,500। ये जो लोन अकाउंट है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आया है, तो हम लिखेंगे लाइबिलिटी में लोन अकाउंट विक्रम का 46,140 और प्रज्ञा का 31,740, इन दोनों की टोटल आउटर में लिखेंगे 77,850। तो लाइबिलिटी की टोटल आई है हमारी, सॉरी उससे पहले हमें कैश अकाउंट क्लोज करना है, कैश अकाउंट बाकी हमारा, कैश अकाउंट का बैलेंस सीडी आया है हमारा टोटल 75,000, हम उसको ट्रांसफर करेंगे असेट में, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 75,000 और टोटल भी कितनी आई, 75,000। अब हम लाइबिलिटी की कैश को ट्रांसफर करेंगे पहले असेट के साइड में, कैश अकाउंट आउटर में 75,000। तो आइए लाइबिलिटी की टोटल करते हैं, लाइबिलिटी की टोटल आई है 3,32,850। इसी तरह असेट की टोटल करते हैं, असेट की टोटल आई है हमारी 3,32,850। इसी के साथ आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। तो आपके इस सम से मैंने जो स्टार्टिंग से सीखा है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट कैसे करना है, फिर न्यू रेशियो करने के बाद कैसे न्यू कैपिटल को ढूंढना है, न्यू कैपिटल ढूंढने के बाद आपको कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते समय आपको वो डिफरेंस कहाँ डालना है या कहाँ एडजस्ट करना है, उसके लिए तीन बातें हैं, एक तो आप कैश में डालो, लोन में डालो या फिर करंट अकाउंट में डालो। अगर तीनों में से कोई आंसर नहीं दिया है तो आपको बताया गया है उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।